भाजपा नेता द्वारिका प्रसाद मौर्य द्वारा आयोजित किए गए निशुल्क चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में लाभ ले रहे हैं ग्रामीण। साथ ही शिविर में पधारे देश के प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद भाई के मोदी के साथ हमारी टीम की कुछ खास बातचीत। क्या बोले मोदी के भाई, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, चंबल प्रभा न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विष्णु कुमार सोनी, रिपोर्टर चंबल प्रभा न्यूज सरमथुरा। तो साथियों, आज हम सरमथुरा कस्बे में मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता द्वारका प्रसाद मौर्य हैं, उनके द्वारा आम जन की सुविधा को देखते हुए समस्त बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए एक निःशुल्क जो चिकित्सा शिविर है उसका आयोजन किया गया है। और जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख सकते हो, इस वक्त हम शिविर स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ का हम आपके लिए नजारा दिखा रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हो, यहाँ पर जो परामर्श के लिए काफ़ी संख्या में हमें भीड़ देखने के लिए मिल रही है। साथ ही शिविर में जो प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं उनके द्वारा निःशुल्क परामर्श और जो जाँच है, मेडिसिन है, उसकी निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट चंबल प्रभा न्यूज सरमथुरा। हम मौजूद हैं शिविर स्थल के जांच केंद्र पर। यहाँ पर भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो, यहाँ पर भी जो पेशेंट हैं उनकी निःशुल्क जांचें की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट चंबल प्रभा न्यूज। आइए शिविर में एक और डॉक्टर जो त्रिलोक नारवाल की फिजिशियन है और जो जयपुर से पधारी है, आइए शिविर को लेकर के कुछ चर्चा हम उनसे भी करेंगे। साथ ही जानना चाहेंगे कि वो मरीजों के लिए किस तरीके से जागरूक करती हैं, साथ ही शिविर के माध्यम से उनके द्वारा क्या क्या जो सुविधाएं हैं जो पेशेंटों के लिए दी जाती हैं, इसी को लेकर के डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए कुछ चर्चा उनसे करेंगे। नमस्कार सर। हमारे साथ मौजूद है, वो भी चिकित्सा शिविर में परामर्श लेने के लिए आई है। कुछ चर्चा आई है, हम इनसे भी करेंगे। नमस्कार, आप कहाँ से आई हो? हरारे से। अच्छा, क्या दिक्कत है? भैया गैस बाबूजी और काम कर रहे हैं? हाँ, ले आ जाओ भाई साहब। आइए, इस वक्त हमें बहुत ही गर्व हो रहा है हमारे चंबल प्रभा न्यूज चैनल के माध्यम से कि हमारे साथ इस वक्त जो देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी हैं, उनके भाई प्रहलाद जी मोदी हैं, इनका के सरमथुरा में आज आगमन हुआ है। आइए सरमथुरा आगमन को लेकर के कुछ चर्चाएं हम प्रहलाद जी भाई मोदी से करना चाहेंगे। नमस्कार जी सर। बहुत ही अच्छे, नमस्कार। आज के दौरे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो शुरुआत हुई है, खत्म होने के बाद कुछ कह सकता हूँ, तब तक क्या कह सकता हूँ। फिर भी आज जिन लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे खुशी है कि राजस्थान के लोगों का रास्ते में आते आते जयपुर से आ रहा हूँ, तो जो प्रेम मिला है
और प्रेम मैं मेरी जिंदगी में भूल नहीं सकता। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि प्रेम चुनाव के मैदान में मतों से अधिकृत हो जाएगा। जैसा कि राजस्थान के अंदर में जो प्रदेश की जो गहलोत सरकार है उसमें बहुत ही जो क्राइम बढ़ चुके हैं, साथ ही जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ में रोजाना दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर के आप नारी शक्ति के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जब संसद के अंदर इस बात को लेकर इतनी बहस छेड़ी, पंत प्रधान ने भी अपने वक्तव्य में इस बात को दोहराया, ये जो हो गया है ये देश की इज्जत के लिए अच्छा नहीं। गहलोत सरकार शायद इसको बढ़ावा देती होगी, लेकिन देश की नारी शक्ति अब जागरूक हो रही है। कल मेरी जयपुर में कुछ महिलाओं से बात हुई थी, उन्होंने भी यही बात मेरे सामने रखी। मैंने तो बता दिया कि अब महिलाओं को झांसी की रानी का स्वरूप लेना ही पड़ेगा। जब तक महिलाएं खड़ी न हो जाएगी तब तक के बदमाश लोगों की कार्य सूची बदल। शिविर के दौरान आइए हम आपको हमारे धौलपुर जिले के एक ऐसे डॉक्टर से मिलाना चाहेंगे जिनको के धौलपुर सपूत की उपाधि दी गई है, साथ ही डॉक्टर के साथ साथ मानव सेवा करने में भी उनका हमारे धौलपुर के अंदर कोई तोड़ नहीं है। तो आइए इसी को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामकेश सिंह जी परमार, आइए चिकित्सा शिविर को लेकर के कुछ चर्चा हम उनसे भी करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद संवाददाता का धन्यवाद। माननीय आपने हमारे इस शिविर के अंदर आकर हमें इस स्वास्थ्य शिविर चल रहा है। मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार धौलपुर जिले का रहने वाला हूँ, राजस्थान प्रदेश की राजधानी के बोल रहा हूँ, जन्मभूमि होने के नाते पिछले लगभग 7 सालों से हम अपने धौलपुर जिले के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर इस तरह की निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित कर रहे हैं। इसके अंदर हमारी टीम के साथ हजारों तरह बीमारियों के अंदर लोगों को आमजन को लाभ पहुँचाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप भी देख सकते हैं हमारा यह स्वास्थ्य शिविर सरमथुरा के अंदर आयोजित किया जा रहा है। सरमथुरा के अंदर कन्हैया पहले सरमथुरा के अंदर है, यहाँ पर मेरी जयपुर के साथ ही चिकित्सक भी यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ पहुँचे हैं। इसके अंदर मैं खुद फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रामकेश परमार जो साथ में है, मृदुल त्रिवेदी आप देखेंगे बदलिए कमरे के अंदर, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर दीपेश नेलवाल जी, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर विजय मीणा जी, सर्जन भी साथ। एक सामान्य परिवार से पढ़वर घर सेवाएं कराने सेवा को चर्चा करते हुए मैं 10 साल से आमजन की इस तरह के सेवाओं के माध्यम से सेवा में लगा हुआ हूँ। इसके अंदर हम जो बहुत कॉमन बीमारियाँ जो आमजन को जगड़ते हैं, जिसके अंदर घटना की समस्याएं हैं या फिर लेबर संबंधी समस्याएं, डायबिटीज, मधुमेह, थायराइड, एलर्जी, अस्थमा, जोड़ों की समस्याओं को जाँच करने के साथ साथ परामर्श देने के बाद हम निःशुल्क दवाइयाँ देने की कोशिश करते हैं। और हमारा यह है पूरे पिछले 7-8 सालों के अंदर 562 स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क जो कि चल रहा है। आइए शिविर में एक और जो पेशेंट हमारे साथ मौजूद है कुछ चर्चा आइए हम उनसे भी करेंगे। नमस्कार सर, कैसी आई हो आप शिविर में? सर मैं यहाँ पे माँ अपनी माता जी को दिखाने आया था। यहाँ पे क्या बीमारी है माता जी? माता जी को पैर में लग गई थी। रजिस्ट्रेशन आपका हो गया? रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन में के दौरान आपको किसी भी तरीके की कोई असुविधा तो नहीं हुई है? नहीं सर। रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह का जैसे कि कोई यानी चार्ज वगैरह है वो आपने तो नहीं कोई कोई भी चार्ज नहीं लिया? शिविर की जो व्यवस्थाएं हैं जो आयोजकों द्वारा की गई हैं उसको लेकर के आप संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट है सर, बहुत अच्छा शिविर लगा, काफ़ी लोग काफ़ी मात्रा में लोग हैं यहाँ पे, सारी व्यवस्थाएं अच्छी अच्छी। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हो यहाँ पर जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जो पेशेंट हैं
उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है, और आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन के दौरान आप देख सकते हो यहाँ पर जो पेशेंट हैं उनकी लाइनें लगी हुई हैं। आइए कुछ चर्चा यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैठे हुए कुछ कर्मी हैं इनसे भी हम करेंगे और जानना चाहेंगे कि सुबह से अब तक कितने लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जानकारी सर, अभी तक मॉर्निंग से करीबन यहाँ 150 पेशेंटों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और 150 लोगों ने अभी तक उनकी जांच भी चल रही है, उनको दवाइयाँ भी फ्री दे रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन में यहाँ मतलब काफ़ी सारे डॉक्टर आए हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट के आए हुए हैं, जयपुर से मतलब एक प्रॉपर टीम आई हुई है, और प्रॉपर इलाज के तहत यहाँ निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया है। जो हमें कैसे इंटरनेशन को प्रिवेंट करना चाहिए,